हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज एक्स प्लस 1 ए फैक्टर। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेकेंड पार्ट एक्स पावर ऑफ 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो वन बाय वन चेक करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पॉलीनोमियल हमारे पास एक्स प्लस 1 है, इसको सबसे पहले हम जीरो की इक्वल करेंगे। एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो एंड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। एक्स इक्वल टू प्लस 1 इधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस 1। अब जो एक्स की वैल्यू माइनस 1 है गिवन पॉलीनोमियल में पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये होगा माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। इससे पहले हमने देखा था क्वेश्चन की फैक्टर है या नहीं है, तो गिवन पॉलीनोमियल में एक्स की वैल्यू पुट करने पर अगर वो जीरो आ जाए तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं जीरो आता है नहीं। माइनस 1 क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो यह आएगा माइनस का 1। माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये प्लस 1 होगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये माइनस 1 प्लस प्लस माइनस कैंसिल और ये भी प्लस माइनस कैंसिल, तो किसके इक्वल आ रहा है जीरो। इट मींस एक्स प्लस 1 गिवन पॉलीनोमियल का क्या होगा फैक्टर। सो दैट एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल मींस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दैट इज आंसर। सेकेंड हम चेक करते हैं, गिवन पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल करके तो फाइंड कर चुके हम एक्स इक्वल टू माइनस 1। हम माइनस 1 भी गिवन पॉलीनोमियल को पुट करेंगे, माइनस 1 पावर 4 प्लस माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। जहाँ पर आपको एक्स नजर आ रहा है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब देखिए इस केस में क्या आता है माइनस माइनस प्लस प्लस 1, और इस केस में भी क्या आता है प्लस 1। प्लस 1 को प्लस 1 से फिर अगेन मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1। ऐसे करेंगे आप मल्टीप्लाई तो यह आएगा प्लस का 1। अब देखिए माइनस 1 क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ते हो, ये और पार माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 होते हैं, ये प्लस 1 और ये प्लस माइनस माइनस 1 और ये प्लस 1। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास यानी 1। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। सो दैट एक लाइन लिखेंगे, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दैट एक्स प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर of x given polynomial means polynomial को write कर देंगे हम, जब जीरो के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये फैक्टर भी नहीं होगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर 2x इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1।
जी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाले एक्स प्लस वन, हमें फाइंड करना है कि जी एक्स इसका फैक्टर है या नहीं। तो इससे पहले भी अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है कि गिवन जो फैक्टर है या नहीं है, तो हम उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसको जी एक्स को जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और गिवन पॉलीनोमियल में पुट करेंगे। अगर जीरो आ रहा है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोनों केसों में यही करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो जी एक्स है इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल। इट मीन्स इंप्लाइज दैट जब ये जी एक्स जीरो हो गया तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, प्लस का वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। इट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन इस गिवन पॉलीनोमियल में हमें पुट करने हैं। पुट करने पर अगर जीरो आ गया तो ये एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा, इट मीन्स जी एक्स इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करके देखते हैं। पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, पी माइनस वन टू माइनस वन क्यू प्लस माइनस वन स्क्वायर टू माइनस वन माइनस। सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए माइनस वन क्यू, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, माइनस का वन। माइनस के वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू। माइनस वन स्क्वायर, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन होता है, प्लस वन माइनस माइनस प्लस और ये माइनस। माइनस टू और प्लस टू कैंसिल, प्लस वन माइनस वन ये भी कैंसिल। क्या आया हमारे पास, जीरो। ये जीरो आ गया। एक्स की वैल्यू जी एक्स में से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की और गिवन पॉलीनोमियल में पुट करने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब जी एक्स पी एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। इट इज इक्वल टू जीरो। सो दैट जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। इससे पहले भी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, सेम केस। इसमें भी जी एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे। इट मीन्स जी एक्स की जगह जीरो पुट करते ही यह हो जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो होते हैं, हमारे पास प्लस का टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस। इसका मतलब है हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस टू इसमें पुट करेंगे हम गिवन पॉलीनोमियल में। तो पुट करने पर क्या आता है हमारे पास, देखते हैं। पुट एक्स इक्वल टू माइनस पी माइनस टू माइनस टू क्यू प्लस थ्री माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस। सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, माइनस एट, माइनस एट। माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, प्लस फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ट्वेल्व। प्लस माइनस माइनस, थ्री टू जा सिक्स प्लस फोर। अब देखिए प्लस का ट्वेल्व और प्लस का वन जो हो जाएगा प्लस का थर्टीन। माइनस एट माइनस सिक्स सेम साइन है, माइनस में एड हो जाएगा, एट प्लस सिक्स फोर्टीन माइनस फोर्टीन। बड़ी वाली डिजिट हमारे पास फोर्टीन, इसके साथ नेगेटिव साइन तो माइनस का, फोर्टीन में से थर्टीन माइनस करेंगे माइनस वन। नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो दैट जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक लाइन आपको नोट करके लिखनी, क्योंकि जीरो नहीं आया इसलिए जी एक्स इसका फैक्टर नहीं होगा।